वाणिज्य व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। और जो कॉमर्स का पेपर आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल में जो मैंने अभी बीए लिखा है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा नहीं होता है किंतु वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स भी उसको बोलते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल में बीए लिखा नहीं होगा तो कौन सा सब्जेक्ट का नाम होगा ओसी, मतलब क्या होगा उसको फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स। और आपको पता ही है कि हमारा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बिजनेस मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है तो इसके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप आगे जाके होटल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हो और अच्छी सी जॉब इसमें ले सकते हो। तो इसके लिए हमको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आज आपको मैं अनुक्रमणिक के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और जो बोर्ड का पेपर 100 मार्क्स का आता है उसमें से कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी आज जानकारी दूंगा। तो इसमें देखेंगे अनुक्रमणिक का क्रम मैंने 1 से 12 दी हुई, तो टोटल अभी आपको 12वीं में 12 चैप्टर के बारे में जानकारी लेनी है। तो उसमें से मैंने 1-2 करके टोटल 12 चैप्टर हमको 1-1 करके इसमें से हमको पढ़ने होंगे। तो आपने देखा होगा कि चैप्टर के नाम भी मैंने लिखे हुए जिससे आपको यह पता चलेगा कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें देखेंगे प्रबंध का स्वरूप और महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, आयोजन प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध, नेतृत्व, अंकुश, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय बाजार, बातचीत प्रक्रिया, प्रबंधन, ग्राहक सुरक्षा और व्यापारिक वातावरण, टोटल कितने चैप्टर दिए हुए तो 12। तो इसमें जब हम देखेंगे ना तो मेरे साइड में आपको मार्क भी लिखे हुए हैं कि मार्क का मतलब ये क्या होगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसकी ब्लू प्रिंट भी मैंने लिखी हुई है, आपको इसके बाद में इसकी जानकारी दूंगा। उसमें आपको देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इसमें कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। ऐसे ही प्रबंध के सिद्धांत के 6 मार्क, 7 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 6, 8, 9, 8 और 5। इसमें से आपको यह पता चलेगा कि इस कौन से चैप्टर में से कितनी आपको तैयारी करनी है जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। उसमें से हम देखेंगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है और आखिरी में विभाग मतलब सेक्शन ई में आता है, ऐसे कौन से चैप्टर है जिसमें से हम 5 में से 5 मार्क ला सकते हैं। वैसे ही चैप्टर के बारे में बताएंगे तो प्लानिंग मतलब क्या, आयोजन, फिर नेतृत्व, अंकुश और आखिरी का चैप्टर कौन सा है, ग्राहक ग्राहक सुरक्षा। इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ब्लूप्रिंट के पहले हम बताएंगे इसमें मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हुए, 3 पॉइंट के बारे में देखेंगे तो आंतरिक परिबल, कर्मचारी के लिए और बाह्य परिबल। आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, हम 11वीं में पढ़े तो आपको देखा होगा कि कंपनी चलाने के लिए बाह्य परिबल भी होते जो संचालक मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके हाथ में होते हैं नहीं, जो ये बाह्य परिबल और जो उनके हाथ में होते हैं अंकुश उनका होता है वो आंतरिक परिबल है, जैसे कि प्रबंध का स्वरूप और कैसा होना चाहिए और उसके सिद्धांत कैसे होने चाहिए, क्योंकि कंपनी को आखिर में क्या प्राप्त करना होता है, लाभ। तो लाभ प्राप्त करने के लिए ये सिद्धांत अपनाए जाते हैं। और ऐसे ही बाह्य परिबल कौन सा है, वित्तीय प्रबंधन, मतलब हमको जो पैसा है वित्तीय ये प्रबंध कैसे करना है उसका, फिर हम जो प्रोडक्ट उत्पादन करने वाले हैं तो बाजार में बेचेंगे तो कैसे बेचा जाता है, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, वो ग्राहक की सुरक्षा भी आपको ध्यान में रखनी होती है और आखिर में उसका व्यापारिक वातावरण कैसा है, ये सब बाह्य परिबल में आता है। और आप देखेंगे तो मैंने कर्मचारी के लिए पॉइंट लिखे हुए 5 पॉइंट आते हुए, आयोजन मतलब क्या होगा, प्लानिंग, प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध, नेतृत्व और अंकुश, ये कर्मचारी के लिए होता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब आप 12वीं की तैयारी करने चालू करोगे तो आप पहले क्या करोगे, उसका आयोजन करोगे, फिर उसको क्या करोगे, प्रबंध, प्रबंध मतलब उनको कौन सी ऐसी बुक लेनी है, कौन से ऐसे पुस्तक में जाना है, ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे हमारे मार्क्स बढ़े, फिर कर्मचारी प्रबंधन बराबर ऐसे कौन सी शिक्षक की या हमारे आचार्य की स्तर की आवश्यकता होगी, फिर उसका नेतृत्व, आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में नेतृत्व की आवश्यकता होती है,
कोई ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो नेतृत्व ले सके और बाकी कर्मचारियों को क्या दे सके, मार्गदर्शन दे सके। और आखिर में क्या रखा जाता है, कुछ रखा जाता है जो मैंने किसके बारे में बताया है, कर्मचारी के लिए। और अब ये जो मार्क मैंने लिखे है इसकी ब्लू प्रिंट के बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा। आप देख रहे होंगे कि ब्लू प्रिंट मैंने लिखी हुई है, इसके हिसाब से आपको नोट बुक में नोट डाउन करना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का पूछा जा सकता है। उसमें मैंने देखा कि चैप्टर नंबर 1 से 12 तक, तो इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग जो विभाग जो सेक्शन आते हैं, अलग अलग सेक्शन मैंने दिए हुए ए बी सी डी और ई, और टोटल मार्क्स को हमने वहाँ लिखे थे, यही मार्क लिखे थे, वही मार्क मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें से विभाग ए में, बी में, सी में, डी में और ई में कौन सा चैप्टर का कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी हुई है। जैसे कि आप देखोगे 5 मार्क के क्वेश्चन मैंने बताया, जैसे कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11, ये इतने चैप्टर में से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ए में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि ए में 1, बी में 1, सी में 1, डी में 2, ऐसे कितने टोटल मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 मार्क के पूछे जाएंगे। आप बोलोगे सर कि ये 2 प्रश्न है तो कितने मार्क्स को होगा, टोटल 3 और 3 6, और ये कितने हुआ 7, 8, 9 और 10। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने पेपर स्टैंड बनाई हुई, जिससे आपको यह पता चले कि MCQ 1 गुण का कितने मार्क का पूछा जाएगा, 10। विभाग बी मतलब सेक्शन बी में 1-2 मार्क के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 10 मार्क के। ऐसे सेक्शन सी में संक्षिप्त में लिखिए कितने मार्क का होगा, 2 गुण का होगा, और सी टोटल कितने होंगे, 30 गुण का होगा। डी में विस्तार पूर्वक समझाइए कितने मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, और टोटल कितने मार्क का पूछा जाएगा, 30 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 3 गुण आप 15 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में, सॉरी 10 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, और 20 गुण समझे 5 गुण के, और टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने आपको पता है 4 क्वेश्चन कौन से में से होंगे, चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 4, 11 में। आपको बीए के बारे में जो जानकारी, जो ब्लू प्रिंट कैसे हमको इसमें तैयारी करनी है और कैसे हमको मार्क्स लाने हैं, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपको घर पे बैठे नोटबुक्स बनानी है, और नोटबुक में से आपको पहले 2 स्क्वायर इसके नाम लिखने हैं अनुक्रमणी का, फिर इसका जो मैंने पेपर स्टाइल बनाया हुआ है पेपर स्टाइल, और आखिर आपको क्या लिखना है, ब्लू प्रिंट लिखना है। कल से हम चैप्टर नंबर 3 आयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन उसमें से आता है। ओके, ऐसे ही हम 5 चैप्टर का करेंगे, इसके बाद 2 चैप्टर मतलब प्रथम सेम का जो 7 चैप्टर पूछे जाते हैं, 7 चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।